विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना और वर्क टुगेदर के बैनर तले रीवा गौरव दिवस के उपलक्ष्य में रोजगार मेले का आयोजन रीवा मैहर उमरिया सीधी अनूपपुर में किया गया। सैकड़ों बेरोजगारों को मिला रोजगार। विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना और वर्क टुगेदर के बैनर तले रीवा के गौरव दिवस के उपलक्ष्य में रोजगार मेले का आयोजन रीवा मैहर उमरिया सीधी में किया गया। सैकड़ों बेरोजगारों को मिला रोजगार। विवेकानंद कैरियर योजना और वर्क टुगेदर ने रीवा गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का किया आयोजन। इस मेले की खास बात रही, यह मेला विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के संभागीय प्रभारी अच्युत पांडे के मार्गदर्शन में संभाग के 5 कॉलेजों में आयोजित किया। ऐसा पहली बार हुआ जिसमें मैहर कॉलेज, सीधी कॉलेज, अनूपपुर कॉलेज, उमरिया कॉलेज के अलावा रीवा का साइंस कॉलेज शामिल रहा। इस मेले में काफ़ी संख्या में छात्र तो ही वहीं कंपनियां भी बच्चों को रोजगार देने में इच्छुक नजर आईं, जिसके चलते कई सैकड़ा बच्चों को उनका मनपसंद जॉब उपलब्ध कराया गया। बच्चे अब पढ़ाई के साथ अपना जेब खर्च भी निकाल सकते हैं। हमने विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के समी प्रभारी अच्युत पांडे, वर्क टुगेदर के पवन पांडे सहित साइंस कॉलेज के आज के रोजगार मेले के आयोजक से बात की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही आज का दिन बहुत ही गौरव का दिवस माना जाना चाहिए, क्योंकि ठीक इसके एक साल तक 24 सितंबर 2021 को हमने प्रदेश स्तरीय ओपन विशेष भर्ती अभियान का आयोजन रीवा संभाग के संभागीय कार्यालय स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना से किया, और उसमें लगभग 10,000 पूरे प्रदेश से 10,000 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और उसमें 4,352 लोगों को हमने आत्मनिर्भर बनाने की का प्रयास किया, जो कि सफल। रीवा में कितने लोग को अभी तक आप रोजगार दे चुके हैं? अभी तक रीवा की जहाँ तक बात है, तो यदि यह माना जाए तो हम यदि अप्रैल से आंकड़े लें तो हमने ये अपने जो आंकड़े नोट किए हैं, तो अभी अप्रैल से लेकर आज की डेट तक स्वरोजगार के क्षेत्र 133 युवाओं को हमने आत्मनिर्भर बनाया है, बनाने का प्रयास किया है, और 832 युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हमारा सफल है। किसान है मेले की आज आज जो अभी तक हमने आंकड़े लिए हैं ओवरऑल, तो हमें लग रहा पूरे संभाग के हिसाब से करीब 2,500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 5 जिले की बात कर रहे हैं, और ऐसा उम्मीद हम कर रहे हैं कि 1500 प्लस लोगों को आज रोजगार मिल पाएगा 5 जिले से रीवा संभाग। अभी मेला आपके यहाँ चल रहा है, अभी की तारीख में क्या स्थिति है मेले की? अभी तक की स्थिति यह है कि 250 के लगभग पंजीयन हो चुका है, 9 कंपनियों ने अपनी सहभागिता दी है, और अच्छा रिस्पांस मिल रहा छात्रों का। कंपनियों से अभी हमारी चर्चा हुई है, हर रूम में जाके तो छात्र पंजीयन करा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और सभी कंपनियों से वो संतुष्ट दिख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 100 या 150 से छात्रों को रोजगार मिलने की उम्मीद है कि मिल जाएगा। क्या नाम है, किस पद पर है? हमारा नाम डॉक्टर विवेक वर्मा है, मैं PPO हूँ शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में।